हाँ तो भाई वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है आज का एक नया ब्लॉग हमारे पास आ चुका है। जैसा कि तुम लोग मालूम है आज 12 अक्टूबर है, तो हम लोग बस घूम रहे थे घूमते घूमते हुए हुसैन भाई को देख के ये भू, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। जिसको भी साथ लेके घूम रहे हैं मुस्कुराता क्यों है? हाँ हुसैन भाई, आपको सब लोग बोले थे केक काटने नहीं आया आप है? मैंने आपको नहीं बुलाया? सीरियसली नहीं बुलाया? मैंने आपको नहीं बुलाया? भाई केक कट करने से 5 मिनट पहले कॉल कर रहे हैं कि भाई आ जाए। यार मुझे कितने मिनट पहले पता था कि केक कट होगा? मुझे 5 मिनट पहले कॉल कर रहा और इंतजार भी नहीं। तूने मुझे क्या कहा कि मैं सदर पे हूँ? मैं सदर पे हूँ, मैं सदर में 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊँगा, वेट कर लेता 10 मिनट। दिल दुखा गाइस। कोई बात नहीं, तेरे साथ अलग से केक काटूंगा मैंने सोचा हुआ, जरूर काटेंगे केक। हाँ तो यार अभी यहाँ पर आके अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाने वाला देख लेते, देखो अभी क्या ऑर्डर देते हैं। जो ऑर्डर देंगे वो भी तुमको दिखाएंगे वो बनता क्या था। ठीक है हाँ हुसैन, फिर आज के दिन क्या किया आपने? कुछ नहीं भाई, आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा तेज़ बोले, माइक तो मैंने आपका लगाया हुआ है नहीं। कुछ नहीं किया भाई, घर पे था। अच्छा, सुबह से क्या किया? सोया, सो के उठा, उसके बाद अपना थोड़ा काम किया, फिर आपके साथ ही। हालत बहुत बुरी हो गई है मट्टी से, बुरा हाल हो गया घूम घूम के यार, पॉल्यूशन बहुत है कराची में। नमीन भाई को देखो, सुबह ये बिल्कुल वाइट कलर का शलवार कमीज पहन के निकले बंदा एकदम बाल रेबियों पर मनाने के लिए। इनका कपड़ा ऐसा गंदा हो गया, मैंने कहा रुक जाए यार चेंज करके चलता हूँ। मैंने कहा कर लो चेंज यार, उसे मैं बोले कि आज मैं ब्लैक पहनूँगा। क्यों? अबे ठौसा का नाम भी नहीं लिया, वैसा विकार होता है ना, तू एक बार खाएगा उल्टी कर देगा। देखते ही मुझे अजीब सा लग रहा था, हमारे खाने की चीज ही नहीं, आप लोग भी मत खाएगा ठौसा, ये है खाने की चीज नहीं है, अच्छी होती नहीं हो, टेस्ट लेस होती है बिल्कुल। स्पाइसी तो थोड़ा सा भी नहीं था, दलिया लग रहा था। हमारे लिए नहीं, हमारे मैंने सोचा था आज वहाँ जाएंगे डॉलमेन, मैंने सोचा जाएंगे शॉपिंग डॉलमेन में इंशाल्लाह, बहुत जल्द 2-3 दिन में जाएंगे। ठीक है तो तुम लोग को वहाँ पे जाके अलग से ब्लॉग मिलेगा शॉपिंग भी। अरे गोलगप्पे छोड़ हुसैन, देखो यहाँ की चाट खिलाता हूँ, बहुत अच्छी होती है चाट और वो खाते हैं गोला गंडा। यार तो बात सुनना, तो यार ऑर्डर देते हैं यार, आप एक ये वाला गोला गंडा करना, ठीक है? ठीक है बस, और एक ये वाली चाट करना। बात सुने भाई, एक मिनट आता हूँ मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, पिछले ब्लॉग में भी तूने यही बात की थी, तू बोल के फंस गया। इसको टेक्निक कहते हैं खाने की। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। ये मुझे बहुत पसंद है, जो उसको टेस्ट करके देखिए बहुत मजे का, मतलब ऐसा चाट आपको। तो क्या सीखा फिर? मैंने ये सीखा कि आपने आलू मंगवा लिया फ्री में, उसको निंजा टेक्निक कहते हैं। दिस इज बिजनेस। अच्छा आपको चाट कैसा लगा हुसैन? तो यार रुको, मैं आलू खा लूँ, ऐसा नहीं है पूरा खा गया, बहुत अच्छी बन जाए। तो यार हमारा गोला बन रहा है, तो देखते किस तरह से गोला बना के देते हैं, ठीक है चेक करते हैं। एक बार की गाली दे दीजिए। ये गोला तैयार हो रहा, ये भाई का नाम है ये, इस पे डाल रहे हैं कलर।
यार एक बर्फ का टुकड़ा दे दे चेक करो अरे फ्री हो गए दूंगा फ्री हो गए अरे वाह एक करी कितना प्यारा लग रहा इसको कहते हैं गोला चेक करो गोला जेली वगैरह डाल दिया इन्होंने ये इसके ऊपर आइसक्रीम डाला है भाई आइसक्रीम पूछो अब ये डाल रहा है कमेल मेरा बड़ा भाई है ये मेरे फादर की बाइक है मेरे अब्बू की बाइक थी यामा ये वो नहीं 25-35 साल ये बड़ा भाई है मेरा लिखवर्दी शबाब भाई तो बहुत बड़ा है मैकेनिकल इंजीनियर चेक करो गाइस मेरा ये लेक्चर आ रहा है फिजिक्स का आउट मो भी चेक करो कभी गोरा जी आके खोपड़ा वगैरह सब ऐड हो रहा है इसके ये बादाम वगैरह आ गया बिल्कुल आ जाओ तुम लोग भी कभी टेस्ट करो आके यार बहुत स्पाइसी लग रहा है इसके भी टेस्ट करके बताते हैं तुम लोगों को कैसा उसे में तैयार है आप हैं मैं भी तैयार हूँ भी टेस्ट करके तुम लोगों को बताते हैं कैसा कर रहे हैं भाई टेस्ट करें हाँ तो अभी मैं टेस्ट करके तुम लोगों को बताता हूँ ये कैसा है काफ़ी मेहनत से खड़े होकर बनवाया तुम लोगों ने देखे आ जाओ हाँ तो मुबशिर भाई कैसा टेस्ट है यमी बहुत टेस्टी आ जाओ तुम लोग सारे आ जाओ सारे आ जाओ लोकेशन लास्ट में बता देंगे मुबशिर भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लोकेशन तुम लोग जाकर ट्राई करो ठीक है आगे मिलते हैं जी हाँ तो गाइस मैंने गोला गंडा खाया है बहुत ही कोई टेस्टी था मैं इतनी किसी चीज़ की तारीफ करता नहीं हूँ लेकिन आज मुझे सच में बहुत टेस्टी लगा तो मैंने कहा बिल्कुल फीडबैक देना चाहिए और हम लोग यहाँ पर आए हैं डोरा जी पे इनका मैं नाम अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेंशन ना लें आप लोग भी आके विजिट करें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा बहुत टेस्टी चीज़ है अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है हुसैन भाई एक खेल खेलते हैं हम लोग एक गरीबों का खाने का स्टाइल और एक अमीरों का खाने का स्टाइल चलो पहले करते हैं हम लोग अमीरों का खाने का स्टाइल यार टिश्यू पेपर ला देना यार हाँ टिश्यू पेपर दीजिए टिश्यू पेपर आइए हुसैन भाई अमीरों का खाने का स्टाइल हमारा खाने का कैसा है मज़ेदार तो ये लो यार एक छोटा सा ये होता ट्विस्ट होना चाहिए ना व्लॉगिंग में जॉय हो थोड़ा एंजॉयमेंट आए होता हाँ हुसैन क्या कह रहे हो मैं ये कह रहा हूँ कि गोला गंडे ने दिल जीत लिया भाई
यही जीता है ना, यही जीता है यार, बड़ा आउट क्लास टेस्ट था। अगर आप लोग भी कुछ ठंडा ठंडा खाना चाह रहे हैं, मूड को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो मस्ट है भाई। क्योंकि सर्दी नहीं है बुरा लगता, सर्दी आए ना फ्रेंक बुरा लगता भाई। मैं तो मैं रैंक दूंगा 10 out of 9.5। मुजम्मिल भाई आप क्या देंगे? 12। मैं भी 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही कोई मतलब, मैं गोला मंडा खाता नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आज मैं डोल जी आया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ट्राई करो, तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया खाने में। जी चीज़ खाते रहना चाहिए। हाँ आपकी तरह। तो ठीक है यार, आज का व्लॉग क्या था मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, बस मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था आदमी के साथ, मैंने कहा व्लॉग फलाना है, जैसे मैं व्लॉग कल कहा सके वाले 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 दिन का व्लॉग आएगा, तो आज का व्लॉग आ चुका है, देखो क्या है क्या नहीं है, तो अभी जब व्लॉग एडिटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ है, कैसा हुआ है, नहीं हुआ है। तो बस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। एंड करने से पहले हुसैन से भाई से एक दो बातें पूछ लेते हैं, उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे। हाँ तो हमें कब आ रहे हैं आप यार केक वेक काटने मेरे साथ? आप छोटी सी सिंपल सी वो करेंगे, सिर्फ हुसैन भाई को बुलाएंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे भाई, दिल खराब हो गया भाई, नहीं आना। पता है यार जल्दी पता है भाई, आप व्लॉग को एंड करना है, कल का रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो कल कोशिश है एक छोटी सी बस जो सेलिब्रेशन होती है वो करेंगे, क्योंकि जो मेरे व्लॉगिंग का मेन करेक्टर है वो है हुसैन और मुजम्मिल। मुजम्मिल तो था परसों करेक्टर व्लॉगिंग का, तो हुसैन भाई के साथ एक और वीडियो शूट करेंगे यार, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो हुसैन भाई कल मुलाकात होगी फिर, तो व्लॉग को एंड करते हैं। बोले हैं यार कुछ बोलते हैं भाई, अरे मज़ा ले लिया आपने यार, कुछ बोले एंडिंग का, कुछ बोले कि भाई लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर खाने का सीरियसली लिटरली दिल कर रहा है तो ज़रूर आ जाए। बिल्कुल बच्चों की तरह खाए, हाथ ये देखो ना, आप हाथ जो है वो कर रहे हैं, ये देखो ये हशर क्या किया है मुजम्मिल इलाही ने, बच्चों की तरह खाया, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ, ये देखो कौन खाता है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझसे मिलते रहो, अगर कल सैटरडे का तो कल सैटरडे का व्लॉग आएगा, वरना एक गेम की वीडियो डाल ही देंगे हम लोग, टेंशन की कोई बात नहीं। तो फिर सब्सक्राइब मस्ट करो, ठीक है, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब कुछ करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।